फिर आपके शहर की खबर को आप तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं लखनऊ लाइव की और देखते हैं आज क्या कुछ खास है आपके इस शहर से खास आपके लिए। खासियत ये है कि इस बुलेटिन में सबसे पहले अगर हम शुरू किया, बेहद एक्टिव और जिम्मेदार नागरिक है, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन देश के प्रति, आपके राज्य के प्रति, आपके आसपास के एटमोस्फेयर को स्वच्छ रखने में आपकी क्या भागीदारी है, अगर इस सवाल को मैं आपसे पूछूं तो शायद आप एक बार सोचने पर मजबूर जरूर होंगे कि अभी तक आपने ऐसा क्या किया है। लखनऊ के एक शख्स से हम आपको मिलवा रहे हैं, पेशे से तो एक वैज्ञानिक है, सीमा में वैज्ञानिक है ये, लेकिन नगर निगम के खिलाफ यहाँ पर उपभोक्ता फोरम में इन्होंने जंग छेड़े रखी है। क्यों, देखिए ये आरोप गुप्ता की खास रिपोर्ट, पता चलेगा। देश और विदेश में स्वच्छता अभियान को लेकर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सजग हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। वहीं लखनऊ में सीमैप के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद अखिला ने भी गंदगी को लेकर नगर निगम के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे डॉक्टर आनंद अखिला से। अखिला जी, आपको नगर निगम के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मैं क्या, शहर के सभी लोग लगातार यहाँ पे जब घर से निकलते हैं तो हम देखते हैं चारों तरफ गंदगी, कूड़े के ढेर, चौक नालियाँ वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज, और इसमें कोई बहुत सुधार नहीं हुआ है। मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मेरा कोई और मकसद नहीं था इसमें। जब मैं टैक्स जमा करने हर साल जाता हूँ तो देखता हूँ बहुत लंबी लंबी लाइन लगी है, लोग 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15 हज़ार नोट हाथ में लेकर के काउंटर पर जमा कर रहे हैं, कई बार तो नंबर भी नहीं आता है। मैंने भी अपना टैक्स जमा किया, मुझे ख्याल आया कि ये इतना पैसा जमा हो रहा है नगर निगम के पास, और हम बरसों से जमा करते आ रहे हैं, 25-30 सालों से, तो जब से मेरा घर है तब से मैं टैक्स दे रहा हूँ, ये सभी दे रहे हैं, बूढ़े बूढ़े लोग वहाँ लाइन में लगे हुए हैं, औरतें लाइन में लगी हुई हैं, नगर निगम आखिर कर क्या रहा है इस पैसे से? और हमें कोई सफाई नहीं मिल रही है देखने को, कभी कभार दिख जाता है कोई डंपर को उठा के कूड़ा एक जगह से उठाया, वो थोड़ी दूर पे जाके आधे किलोमीटर पे फिर उसने दूसरी जगह ढेर लगा दिया। तो मुझे ये फिर ध्यान में आया, अखबार में इतनी फोटो छपती हैं, हर अखबार लखनऊ का कम से कम 4-6 तस्वीरें गंदगी को लेकर के जरूर छापता है। तो मुझे ये विचार आया कि आखिर मुझे इसमें करना क्या चाहिए। तो हम एक कंज्यूमर हैं, हम पैसा देते हैं सफाई के लिए, ये पैसा कोई इनकम टैक्स या सेल टैक्स नहीं है कि सरकार के पास जाएगा फिर सरकार डिसाइड करेगी कि हमको इसका कहाँ खर्चा करना है। ये पैसा सीधा सीधा हमारे सड़कों की बनाने के लिए, लाइटिंग के लिए, सफाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। जिसके पास नगर निगम का एक बहुत बड़ा तामझाम है, उनके कर्मचारी हैं, सफाई के टेम्पो हैं और ट्रॉली है, ठेकेदार है, सब कुछ है। आप टैक्स पेयर हैं, बीइंग ए टैक्स पेयर आपने नगर निगम के खिलाफ एक मुकदमा दाखिल किया, क्या जवाब मिला है उपभोक्ता फोरम से, अगली तारीख कब है, अगली सुनवाई कब है उसकी? अभी उन्होंने, मैंने जब आर्गू किया जाकर के, जैसा कि केस जमा करते हैं, तो मैंने जो जज साहबान थे उनके सामने ये पूरी बात रखी, तो उन्होंने नगर निगम को नोटिस जारी किया है, 4 जुलाई को जवाब दाखिल करने की तारीख दी गई है। अब 4 जुलाई लगभग एक हफ्ते में आने ही वाली है, अब देखते हैं कि नगर निगम क्या जवाब देता है, फिर उसी हिसाब से मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, डॉक्टर आनंद अखिला ने भी लखनऊ के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 4 जुलाई को उपभोक्ता फोरम इस मामले की सुनवाई होनी है, देखना ये होगा कि उपभोक्ता फोरम डॉक्टर आनंद अखिला के इस अपील पर, उनकी इस याचिका पर क्या फैसला लेता है और क्या नगर निगम लखनऊ की साफ सफाई की ओर ध्यान कब से देगा। आजकल के युवा हमारे जितने एक्टिव हैं और जितने प्रशंसा के पात्र हैं, उतने ही कहीं ना कहीं गलत धंधों में काम में भी